शुक्र अदा करो, शुक्र अदा करो कि अल्लाह ताला ने आपको पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून को, आपकी माँ को और आपके लीडर मोहम्मद नवाज शरीफ को सुरखरू किया। ऑडियंस भी जानिए क्या करना है। आपकी वालदा का फोन आया, आपकी माँ का फोन आया और उन्होंने मुझे कहा कि सबसे पहले मेरा शुक्रिया अदा करना मेरे शेरों को। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून अकेली खड़ी थी, एक साइड पे पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून ये इलेक्शन लड़ रही थी और दूसरी साइड पे वो सब कुवतें खड़ी थी जो बार बार मुंतखब वज़ीरे आज़म पे वार करती हैं। आपको पता है कि एनए 120 ने आज क्या किया? एनए 120 ने मुंतखब वज़ीरे आज़म पे होने वाले वार को अपने सीने पे लिया है। और ये खालिस आपकी मोहब्बत थी, ये खालिस नवाज शरीफ के लिए आपके दिलों में मोहब्बत थी। एक मिनट बेटा, एक मिनट
ये आपकी नवाज शरीफ के लिए मोहब्बत थी कि आज आज उन सब कुव्वतों को नाकामी हुई जिन्होंने बहुत खतरनाक तरीके से नवाज शरीफ के गिर्द घेरा डाला हुआ था। और जिन मुखालिफों ने ये बात कही थी कि हमें वोट दो, यानी कि अदलिया को वोट दो और नवाज शरीफ के खिलाफ फैसले को वोट दो, तो आज ना सिर्फ एनए 120 की आवाम ने ना सिर्फ उस अदालत के फैसले को जो नाइंसाफी पे था, उस नाइंसाफी पे मबनी था, ना सिर्फ उस फैसले को रद्द किया बल्कि उन अदालत के तर्जुमानों को भी रद्द कर दिया। उन्होंने आज फैसले पे फैसला सुना दिया और फैसला ये था, आपका फैसला ये है कि तुम्हारा फैसला जो भी हो, हमारा वजीर आजम नवाज शरीफ है। और आपके जो 60,000 वोट हैं, आपके जो 60,000 वोट हैं, वो 60 लाख वोटों के बराबर हैं। उसकी वजह ये है कि दो दिन से मुस्लिम लीग नून के साथ जो हो रहा है हल्का इन्हें 120 में, मैं जानती हूँ हमारे लोगों को रातों रात मुंह पे काला कपड़ा डाल के उठाया गया। अमजद नजीर भट्ट साहब बेटा सुनो, अमजद नजीर भट्ट साहब जिनकी नेक नामी की हल्का इन 120 से यूसी के चेयरमैन हमजा अमजद भट्ट साहब, उनको रात को मुंह पे काला कपड़ा डाल के उठा लिया गया और अभी तक उनका पता नहीं है कि वो कहाँ हैं। इसके अलावा बहुत सारे हमारे यूसीज के ऐसे लोग हैं जिनको सारे मामलात का पता था, उन्होंने कलीदी किरदार इलेक्शन वाले दिन अपना अदा करना था, उनको उनके घरों से उठाया गया और उनको जिनको नहीं उठाया गया उनको तीन मर्तबा अननोन नंबर से कॉलें आई कि अगर तुम छुपे नहीं, तुम्हारी लीड लोकल बॉडीज में 5,000 थी, 4,000 थी, इस दफा तुमने लीड दी तो तुम्हें छोड़ेंगे नहीं। उसके बाद जब ये सब रात को हुआ तो मुझे बहुत तकलीफ हुई। मैंने एक एक यूसी के चेयरमैन को फोन किया और उन्होंने मुझे आगे से कहा कि बाजी घबराना नहीं है, ये कुछ भी नहीं है, हमने इससे बहुत बुरे बुरे वक्त देखे हुए हैं। उन्होंने कहा कि हमने उन्होंने कोई बेटी कहता है, कोई बहन कहता है, तो उन्होंने कहा बेटी बहन हमने आमरों के आंखों में आंखें डाल के बात की है, ये क्या चीज है। और आज एनए 120 जानता है, आज एनए 120 जानता है कि सुबह से शेर के वोटरों के साथ क्या सलूक रवा रखा गया, शेर के वोट जिसके हाथ में शेर की पर्ची थी, जब वो अंदर सेशन में गया तो वो पर्ची देख के उसको कहा गया तुम्हारा वोट इधर नहीं है, और दो दो तीन तीन दफा एक बंदे को वापस किया गया। फिर जब वो दूसरी जमात की पर्ची लेकर गया तो एक मिनट से पहले उसका वोट भी मिल गया और वो सारी सबूत मीडिया ने दिखाए, वो सोशल मीडिया पे अपलोडेड है वो सारे सबूत, जिनमें लोग कह रहे हैं कि हम तीन दफा जब शेर की पर्ची लेकर गए तो हमारी किसी ने बात नहीं सुनी और हमें निकाल दिया गया, हमारी पर्चियां फाड़ दी गई
और जब वही लोग किसी दूसरी जमात की पर्ची लेकर गए तो उनको न सिर्फ उनका वोट डलवाया गया बल्कि उनके लिए आसानी पैदा की गई, मगर मोहरे फिर भी किस पे लगी। तो ऐसे हथकंडों से तुम अवाम की ताकत को नहीं रोक सकते। और मेरे भाइयों, रोके उसको कोई नहीं रोक सकता। और आपको पता है जब मैं हल्के में कैंपेन चला रही थी तो जो मेरी बूढ़ी माएं व्हीलचेयर्स पे बैठी थी, उन्होंने कहा हमें पता है नवाज शरीफ अकेला लड़ रहा है, हमें पता है कि सब उसके मुखालिफ हो चुके हैं, सब वो कुवतें जो नवाज शरीफ के मुखालिफ हैं वो किस तरह उसके खिलाफ काम कर रही हैं, मगर एक आवाज मुझे हर गली से आई, जेड़ा कल्ला उदे नाल अल्लाह। एन ए 120 में मेरे भाइयों ने मेरी माओ ने, मेरे बेटियों ने, मेरे बेटों ने, मेरे बुजुर्गों ने जिस तरह हर घर से मोहब्बतें अपनी बेटी और बहन मरियम पे निशावर की है, उस सब के लिए मैं आपकी बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ। आपने उन सारी साजिशों को जो नवाज शरीफ के खिलाफ हो रही थी और हो चुकी और आज भी हो रही हैं, आपने आज वोट देकर उन सारी साजिशों को नाकाम बनाया है। और आपने ये फैसला कर दिया है न सिर्फ NA 120 के लिए बल्कि पूरे पाकिस्तान के लिए, आने वाले वक्तों के लिए, कि इस मुल्क में अब अवाम का हुक्मरानी चलेगी। वही कबूल होगा जिसके पीछे आप लोग खड़े होंगे। तो मेरे भाइयों, बहनों, बुजुर्गों, नवाज शरीफ के चाहने वालों, एक दफा फिर
अब से अगर ऐसे हालात में जहां जगह जगह साजिश की बू आ रही है, ऐसे हालात में जहां हर तरफ से साजिश हो रही है, अगर ऐसे हालात में अल्लाह ताला ने पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून और नवाज शरीफ को फतह दी है, तो इंशाल्लाह ताला आज भी नवाज शरीफ है, कल भी नवाज शरीफ होगा। तुम नवाज शरीफ को अपनी बहन से वादा करो, उस बहन से वादा करो जिसको आज तुमने सुरखरू किया है। वादा करो कि वोट की हुर्मत की इस जंग में नवाज शरीफ का साथ दोगे। नवाज शरीफ के खिलाफ होने वाली हर साजिश में दीवार बन के खड़े हो जाओगे। अपने वोट की हिफाजत करोगे, नवाज शरीफ का साथ दोगे, तो इंशाल्लाह मैं आपसे वादा करती हूँ कि एनए 120 के जो भी मसाइल हैं वो दिन रात एक करके मैं वो हल करूंगी इंशाल्लाह। और दुआ करो, आप लोगों से मेरी गुजारिश है कि दुआ करो हमारी माँ सेहत याब होके घर वापस आए, तो मैं और आपकी माँ इंशाल्लाह आपकी खिदमत में हाजिर रहेंगे। अल्लाह ताला आप सबको सलामत रखे, अल्लाह ताला आप सबका हामी और नासिर हो, अल्लाह आप सबका हामी और नासिर हो। नवाज शरीफ जिंदाबाद। मेरे साथ मिलके नारा लगाओ, मेरे साथ मिलके नारा लगाओ, नवाज शरीफ, वजीर आजम, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून, पाकिस्तान, अल्लाह हाफिज।